गया में डॉक्टर प्रेम कुमार पूर्व मंत्री द्वारा 220 लोगों के बीच राशन बांटी गई। सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के सहयोग से आईज ऑफ कंपैशन एवं त्रिकलम मोनास्ट्री द्वारा 250 घरों को वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले नक्सल ग्रामीण क्षेत्रों में पहली एवं गिरजा बिघा में राशन सामग्री वितरण किया गया है। इसके साथ में इन दोनों जगहों पर पूरा गांव वैक्सीन लेने पर सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के माध्यम से त्रिकलम मोनास्ट्री कनाडा एवं धै मिन तुहान तंग थान ला चीन द्वारा शुद्ध पानी पीने के लिए चापाकल लगाया गया है। यहाँ पर लोग गंदे कुएं का पानी पिया करते थे। ट्रस्ट द्वारा 1,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया गया है। इसके साथ में 12,000 घरों में वैक्सीन के लिए लोगों को राशन दी गई है। इसके साथ साथ साड़ी छाता चप्पल एवं चापाकल लगाया जा रहा है। इस कार्य में सम्मिलित ट्रस्ट चेयरमैन विवेक कुमार कल्याण, सिस्टर ब्लू लोटस लाल सिंह, विनय कुमार एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। गया से बिहार लाइव 7 के लिए धीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन के लेकर जागरूक कर रहे हैं, साथ में राशन सामग्री और हैंडपंप भी दे रहे हैं। जो गांव पूरा वैक्सीन ले चुका है या जो गांव ले रहे हैं वैक्सीन, वहां पर हम जागरूक कर रहे हैं और साथ में जो राशन सामग्री देकर त्यौहार के रूप में दे रहे हैं। अभी राशन सामग्री में बहुत से सामान मिल रहा है, साथ में हैंडपंप भी दे रहे हैं। और ये भारत सरकार का पहल है कि जितना जल्दी जल्दी वैक्सीन ले ताकि कोरोना को हम जल्द से जल्द मुक्त कर सकें। अभी तो फिलहाल अभी सब नॉर्मल हो रहा है और जड़ से ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारे सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट और हमारे यहाँ के आईज ऑफ कंपैशन और त्रिकलम मोनास्ट्री जो पूरे कनाडा के हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमारे सिस्टर ब्लू लोटस इंटरनेशनल वियतनामी बुद्धिस्ट के हैं, वो सारे हर जगह पर हम लोग जा जाकर लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लीजिए। बहुत से लोग वैक्सीन लेने से बहुत कतराते हैं, डरते हैं कि इससे बीमारी और उत्पन्न हो जाएगी, मर जाएंगे। लेकिन ये हम लोग को कोरोना भगाने का बहुत ही अच्छा पहल है कि वैक्सीन ले और ताकि कोरोना को जल्द से जल्द यहाँ से भगा सके। कितने लोगों को राशन अभी तक हम 12,000 लोगों को राशन सामग्री दे चुके हैं और 1,00,000 लोगों को जागरूक कर चुके हैं। लोग हर गांव में, चाहे वो नक्सल एरिया हो, चाहे वो कोई भी गांव हो या रूरल एरिया में, हर तरह से गांव में जा जाकर हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। 1,00,000 लोगों को अवेयरनेस हम कर चुके हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं।